ईरान और इसराइल के युद्ध के खतरे के बीच एक बड़ी जंग यूक्रेन में फिर शुरू हो गई है और इसमें उत्तर कोरिया की भी अब एंट्री हो चुकी है। किम जोंग उन ने 12,000 सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिए। कोरियाई सैनिकों को यूक्रेन में देखकर जेलेंस्की के होश उड़ गए। जंग को तैयार पुतिन की उत्तर कोरिया सेना। इस वक्त यूक्रेन और नेटो के 32 देश एक ऐसी जंग में उलझ चुके हैं जहां अब रूस और उत्तर कोरिया के सैनिक मिलकर हमले कर रहे हैं। हम आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब रूस यूक्रेन जंग में उत्तर कोरिया पूरी तरह से उतर चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन जंग को बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। उत्तर कोरिया के 12,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग रूस के साथ मिलकर यूक्रेन और नेटो के खिलाफ परमाणु जंग तक को तैयार है। बारह हजार कोरियाई लड़ाके वर्दी रूसी, हथियार रूसी, पहचान रूसी। उत्तर कोरिया के यह खूंखार लड़ाके रूस यूक्रेन जंग में उतर चुके हैं। लगभग 970 दिन की जंग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूसी सैनिक और उत्तर कोरियाई सैनिक मिलकर यूक्रेनी सेना और नेटो के हथियार हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन और किम जोंग उन ने 3 महीने पहले ही तय कर लिया था कि यूक्रेन और नेटो के खिलाफ मिलकर जंग करेंगे। अभी तक रूस को ईरान की तरफ से आत्मघाती ड्रोन और मीडियम रेंज की मिसाइलें मिल रही थी, लेकिन अब उत्तर कोरिया से न सिर्फ रूस को हथियार मिल रहे हैं बल्कि यूक्रेनी सेना पर सीधे हमले के लिए उत्तर कोरिया के सैनिक रूस पहुंच चुके हैं। हम आपको उत्तर कोरिया के कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हवाले से बता रहे हैं कि इस वक्त पुतिन उत्तर कोरिया के सैनिकों को कैसे और कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेनी रक्षा खुफिया निदेशालय यानी GUR के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल काइरिलो बुडानो के मुताबिक लगभग 11,000 उत्तर कोरियाई पैदल सेना के सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए पूर्वी रूस में प्रशिक्षण ले रहे हैं। द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल किरिलो बुडानो ने कहा कि वे 1 नवंबर को यूक्रेन में लड़ने को तैयार होंगे। बुडानो ने कहा कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी उपकरण और गोला बारूद का इस्तेमाल करेंगे। 2,600 सैनिकों का पहला कैडर कुर्स्क क्षेत्र में भेजा जाएगा जहां यूक्रेन ने रूस की जमीन को कब्जाया हुआ है। बुडानो का कहना है कि अभी नहीं पता कि बाकी उत्तर कोरियाई सैनिक कहां जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरियाई सेना के 12 कमांडर इस वक्त पूर्वी यूक्रेन से सटी रूसी इलाके में मौजूद हैं और रूसी कमांडरों के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को उत्तर कोरियाई नागरिकों को डोनेस्क और लुहांस के रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में भेजने के लिए राजी कर लिया है। इस वक्त उत्तर कोरिया के सैनिक रूसी वर्दी, रूसी हथियारों के साथ यूक्रेन में जंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। За подальшої ескалації російської агресії проти України велика загроза її масштабування та виходу за теперішні межі та кордони. दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने पुतिन को पूरी तरह से भरोसा दे दिया है कि उत्तर कोरिया की पूरी सेना रूस की तरफ से यूक्रेन और नेटो के खिलाफ खुलकर जंग करने को तैयार है, फिर चाहे परमाणु जंग ही क्यों न करनी पड़े।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों तक रूस की पहुंच हो चुकी है। अब रूस एक तरफ उत्तर कोरिया, ईरान और चीन के साथ मिलकर यूक्रेन और नेटो को तबाह करना चाहता है, तो वहीं उत्तर कोरिया अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया को रूस की मदद से बुरी तरह से हराना चाहता है। हम आपको दिखाते हैं रूस में उत्तर कोरिया के सैनिकों पर दक्षिण कोरिया के खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने क्या खुलासा किया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी UNHAP के मुताबिक दक्षिण कोरिया की जासूसी एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS का दावा है कि उत्तर कोरिया रूस में 10,000 से 12,000 सैनिकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। NIS का कहना है कि वो यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से उत्तर कोरिया सीधे तौर पर उतर चुका है। NIS का मानना है कि प्योंगयांग 8 से 13 अक्टूबर तक उत्तर कोरिया के विशेष बलों को रूस पहुंचा रहा था। पहले चरण में लगभग 1,500 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूस पहुंचा दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के युद्ध का समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया ने फर्जी रूसी ID के सैनिकों को भेजा है। पुतिन की कोरियाई सेना लाल रेखा से खौफ में नेटो। जब से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन को पता चला है कि जंग में रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, उसके बाद से यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी दावा करने लगे हैं कि जंग में तीसरा देश उत्तर कोरिया कूद चुका है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया है कि लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की ओर से यूक्रेन में लड़ने को तैयार हैं। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि जंग में तीसरे देश के शामिल होने से ये संघर्ष विश्व युद्ध में बदल जाएगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसके आगे और जानकारी नहीं दी है। यूक्रेनी मीडिया का दावा लगभग 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस की स्पेशल ब्यूरेट बटालियन का हिस्सा बन रहे हैं। Mais si je puis dire, ce serait la confirmation que la Russie de Vladimir Poutine peine terriblement à percer les défenses et la résistance ukrainienne. इधर कीव पोस्ट और इंटरफैक्स यूक्रेन ने खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा कि 3 अक्टूबर को यूक्रेन में डोनेस्क क्षेत्र के पास रूसी सीमा पर 6 उत्तर कोरियाई अधिकारी मारे गए। रूसी टेलीग्राम चैनल क्रेमलिन स्नफ बॉक्स के अनुसार हमले में उत्तर कोरिया के 3 और अधिकारी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए मॉस्को भेजा गया। पिछले साल यूक्रेन के मुख्य खुफिया निदेशालय कीव की सैन्य खुफिया शाखा ने डोनेस्क के पास रूसी कब्जे वाले इंजीनियरिंग कर्मियों सहित कुछ उत्तर कोरियाई सैनिकों के आगमन की सूचना दी थी। ये सबूत साबित करते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से उत्तर कोरियाई सैनिकों ने जंग करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि जिस यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा रूस कर चुका है, क्या उत्तर कोरिया के सैनिकों के आने से यूक्रेन और नेटो की हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि पुतिन ने उत्तर कोरिया को जंग में सीधे उतार कर एक नया मोर्चा जरूर खोल दिया है और तानाशाह किम जोंग उन भी रूस की मदद करके खुद को एक शक्तिशाली देश के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है।